नेक्स्ट पार्ट ऑफ द टॉपिक इज थ्योरेटिकल मॉडलिंग। थ्योरेटिकल मॉडलिंग के बीच में किस तरीके से सिमुलेशंस जो हैं वो बनाई जाती हैं फॉर द एडवांस रिसर्च पर्पसेस। ठीक है, तो इसमें थ्योरेटिकल मॉडलिंग के बीच में द थ्योरेटिकल प्रोडक्शन इकोलॉजी इज द क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ द ग्रोथ ऑफ द क्रॉप्स। क्रॉप्स की ग्रोथ की क्वांटिटेटिव स्टडी है। द प्लांट इज ट्रीटेड एज अ काइंड ऑफ द बायोलॉजिकल फैक्ट्री विच प्रोसेसेस लाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स इनटू हार्वेस्टेबल प्रोडक्ट्स। तो पूरे प्लांट को एक फैक्ट्री की तरह एज्यूम किया जाता है, जिसके बीच में प्लांट जो है वो उसकी कौन कौन सी चीज़ों को यूज़ करके फूड की प्रोडक्शन करता है उसके बारे में प्रॉपर स्टडी किया जाता है। द मेन पैरामीटर्स कंसिडर्ड आर टेम्परेचर, सनलाइट, स्टैंडिंग क्रॉप बायोमास, प्लांट प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन एंड न्यूट्रिएंट एंड वाटर सप्लाई। तो जो मेन पैरामीटर्स इसमें यूज़ किए जाते हैं फॉर द सिमुलेशन, फॉर क्रिएटिंग अप द सिमुलेशन, वो है टेम्परेचर, सनलाइट, स्टैंडिंग क्रॉप बायोमास, प्लांट प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन एंड न्यूट्रिएंट एंड वाटर सप्लाई। आगे है कि हाउ द बार्ले, वीट एंड एक्सेट्रा ऑल द क्रॉप्स आर बीइंग स्टडीड एंड कल्टिवेटेड अंडर द टर्म एग्रोनॉमी। सबसे पहले इंट्रोडक्शन है बार्ले की। बार्ले में भी ग्रोन इन सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट कंडीशन, सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट कंडीशन में इसको ग्रो करवाया जा सकता है। द क्रॉप रिक्वायर्स अराउंड 12 to 15 डिग्री सेल्सियस ड्यूरिंग ग्रोइंग पीरियड एंड अराउंड 30 डिग्री सेल्सियस एट मेच्योरिटी। जो क्रॉप जो है वो 12 से 15 डिग्री सेल्सियस ग्रोइंग पीरियड में उसका टेम्परेचर होना चाहिए और मेच्योरिटी के टाइम पे 30 डिग्री सेल्सियस। इट कैन नॉट टॉलरेट फ्रॉस्ट एट एनी स्टेज ऑफ द ग्रोथ एंड इंसिडेंस ऑफ फ्रॉस्ट एट फ्लावरिंग एट हाईली डेट्रीमेंटल फॉर यील्ड। द क्रॉप पोजेसेस वेरी हाई डिग्री ऑफ टॉलरेंस टू ड्रॉट एंड सोडिक कंडीशंस। ठीक है, तो जो बार्ले है वो सबसे ज़्यादा ड्रॉट कंडीशंस के लिए टॉलरेंस रहती है, इसमें सूखे की कमी सूखे के लिए टॉलरेंस रहती है एंड सोडिक कंडीशंस और जो अनफेवरेबल कंडीशंस हैं उनके लिए। बार्ले इज़ मेनली ग्रोन इन उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश, हरियाणा, बिहार, हिमाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल एंड जम्मू एंड कश्मीर। सॉइल रिक्वायरमेंट है आगे। बार्ले इज़ बीइंग ग्रोन इन 3 डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ सॉइल ग्रुप्स, मेनली सैंडी लोम लोम एंड मीडियम एंड हैवी ब्लॉक्स हैवी ब्लैक सॉइल्स, सैंडी टू मॉडरेटली हैवी लोम सॉइल्स ऑफ इंडो गैंगेटिक प्लेन्स हैविंग न्यूट्रल टू सलाइन रिएक्शन एंड मीडियम फर्टिलिटी आर द मोस्ट सूटेबल टाइप ऑफ फॉर बार्ले कल्टिवेशन। हावर इट मे बी ग्रोन ऑन वेराइटी ऑफ द सॉयल टाइप्स साइज वेज सलाइन, सोडिक एंड लाइटर सॉयल्स, एसिडिक सॉयल्स आर नॉट फिट फॉर बार्ले कल्टिवेशन एज सच। तो एसिडिक सॉयल जो है वो बार्ले की कल्टिवेशन के लिए फिट नहीं होती है। बाकी जो सारी टाइप्स ऑफ सॉयल्स हैं उनके बीच में बार्ले को ग्रो करवाया जा सकता है। नेक्स्ट इज लैंड प्रपरेशन। 2 to 3 प्लोइंग विद कल्टिवेटर फॉलोड बाय प्लैंकिंग आफ्टर एवरी प्लोइंग टू सेव द क्रॉप फ्रॉम टर्माइट, एंट्स एंड अदर इंसेक्ट। सीड ट्रीटमेंट इज एडवाइजेबल। तो हर एक कल्टीवेशन के दौरान खेत को जोता जाता है, ठीक है, प्लफिंग की जाती है।